भाई अजय देवगन की तरह डर डर के भी कोई जीना जीना है क्या यार? इससे अच्छा तो इंसान मूवी बनाना छोड़ दे अगर इतना ही डरना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिक्चर का नाम औरों में कहां दम था, और मुझे तो लग रहा है कि भाई इन्हीं में दम नहीं है, प्रभास से डर गए। कोई हमको अलग तो नहीं करेगा ना? हम चेक किए थे, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अपनी मूवी की रिलीज डेट चेंज कर दी, 5 जुलाई को रिलीज होने वाली थी औरों में कहां दम था। अब कह रहे ना ना कल की आंधी आई हुई है, हम नहीं रिलीज करेंगे अपनी मूवी, हमें तो बॉक्स ऑफिस पर तबाह हो जाएंगे, वैसे भी हमारी 90s वाली लव स्टोरी है, कौन ही आएगा इसे देखने। ईसा डर होना चाहिए कि भाई मूवी रिलीज हो तो 10-15 लोग अपनी मूवी आगे पीछे कर दे, और अजय देवगन तो पूरे साल से ही डर रहे हैं यार। अब औरों में कहां दम था तुम्हें देखने को मिलने वाली है 2 अगस्त को, और ऐसा नहीं है कि पहली बार डरे हैं, इससे पहले भी डरे हैं और भी बहुत लोग डरे हैं। चलो डिटेल में वीडियो में समझाती हूँ आपको। हाय गाइस, मैं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट गर्ल। पहले तो भाई साहब इनकी मूवी आने वाली थी सिंघम अगेन 15 अगस्त को, तो पुष्पा भाऊ की रिलीज की डेट जब इन्हें पता चली कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, तो सिंघम को इन्होंने आगे दौड़ा दिया कि हम ना कर रहे रिलीज। फिर पुष्पा ने अपनी रिलीज डेट चेंज कर दी, पुष्पा 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और सिंघम अगेन 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है। भाई सच बताऊं यार, ये साल तो अजय देवगन का डर डर में ही चला गया, बेचारे अपनी मूवी को आगे पीछे ही करते रह गए। क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे यार, क्या हीरो बनेंगे यार ये, जब दूसरों से डर रहे हैं इतना। मैदान छोड़ के भाग रहा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ अजय देवगन ही डर रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं यार। जूनियर NTR की फुल कमबैक कराने वाली जिस पिक्चर का हम इंतजार कर रहे थे, देवराज, जिसमें जानवी और सैफ अली खान भी थे, ये मूवी 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। इस मूवी की रिलीज डेट भी चेंज की गई क्योंकि यार भीड़ बहुत थी ना अक्टूबर के महीने में। आलिया की जिगरा रिलीज होने वाली थी 11 अक्टूबर के आसपास, और अक्षय कुमार की स्काई फोर्स 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, तो इन्होंने सोचा कि यार चलो हम थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, शायद तभी हमारी मूवी को लोग देर तक देखने के लिए आएंगे। 27 सितंबर को ये मूवी अब रिलीज होने वाली है। कुछ भी कहो, प्रीपोन करो या पोस्टपोन, डर तो आपके मन में है बॉक्स ऑफिस का कि भाई भिड़े ना अब किसी से। कि तुम्हारी सजा कम नहीं की जाए। क्यों? सर मैं तैयार नहीं हूँ बाहर के लिए। इतना ही नहीं, कमल हसन की ऑलरेडी थिएटर में एक मूवी धमाल मचा रही है कल की, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार अब इसकी हाइप में हम भी थोड़ी अपनी दूसरी मूवी को हाइप दिला देते हैं। इनकी मूवी इंडियन 2 रिलीज होने वाली थी 12 जुलाई को, और उससे पहले कल की रिलीज हो गई, तो भाई इन्हें अपनी मूवी की ऑलरेडी डेट चेंज करनी पड़ी क्योंकि एक बड़े बजट की जिसमें प्रभास है वो मूवी ऑलरेडी इससे पहले रिलीज हो गई। तो भाई ये सब लोग मिलकर अपनी मूवीज की डेट आगे पीछे किए जा रहे हैं एक दूसरे के डर से, कोई इससे फायदा उठाना चाहता है तो कोई इस क्लैश से बचना चाहता है। अब हमारी कंगना दीदी को ही ले लो, वैसे तो उन्हें बॉलीवुड में होना नहीं चाहिए, अलग प्रोफेशन उन्होंने चुन लिया है, तो भाई वहाँ पे ध्यान लगाए ना क्या करने आ रही है बॉलीवुड में। उनकी इमरजेंसी को मैं तो कतई नहीं देखना चाहती, ऐसा ना हो कि उनकी इमरजेंसी को देखने के बाद हमें बॉलीवुड पे इमरजेंसी लगा देनी पड़े। उनकी ये मूवी 24 नवंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी, दीदी ने कहा कि फिर 14 जून को रिलीज करेंगे, फिर अब ये मूवी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। मैडम नहीं, सर कहते हैं। और ये होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो भाई ये वो लोग हैं जो अजय देवगन की तरह डर गए और किसी ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची कि भाई अच्छा यार समय मिल रहा है, ये वाला टाइम खाली पड़ा है, यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। और आगे भी ऐसा बहुत तो ऊपर नीचे होने वाला है मूवीज की रिलीज डेट को चेंज करके। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी यार, अजय भाऊ आप प्रभास और पुष्पा भाऊ दोनों से डर गए हो, इसीलिए अपनी मूवी को सेफ जोन में रिलीज करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।